बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट वन की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और इसके एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 1। इसको हम लोग ने ये प्रूफ करना है कि ये secant 2 अल्फा के बराबर है। तो हम लोग इसकी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस टेन अल्फा, टेन टू अल्फा। अगर यहां पे राइट हैंड साइड में सीकेंट का फंक्शन आ जाए तो आप लोग क्या क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया करें, ठीक है? तो 1 वैसे का वैसा प्लस साइन अल्फा को लिख सकते हैं, टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, ठीक है? अब क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा वैसे 1 प्लस ये हो जाएगा sin अल्फा sin 2 अल्फा, sin अल्फा sin 2 अल्फा डिवाइड, और यहां पे ये टोटल में मतलब नीचे आ जाएगा cos अल्फा cos 2 अल्फा या cos अल्फा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यहां पे, तो cos 2 अल्फा cos अल्फा एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2 अल्फा cos अल्फा एलसीएम आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस sin 2 अल्फा sin अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है? अब ये फार्मूला एक बन रहा है यहां पे, अगर इसको हम लोग क्लोज करें तो ये फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर, कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो ये वाला जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जब क्लोज करेंगे तो अल्फा की जगह पे 2 अल्फा लिखा हुआ है, बीटा की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे 2 अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा लिखा हुआ, और नीचे क्या दिया हुआ है हमारे पास कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा। अब करते हैं इस एंगल को सब्ट्रैक्ट, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा रह जाएगा कॉस अल्फा, और नीचे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, बाकी बच जाएगा 1 ओवर cos 2 अल्फा। तो क्योंकि secant 2 अल्फा क्या होता है, जिस तरह होता है ये फार्मूला secant थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर cos थीटा, तो 1 ओवर cos थीटा क्या हो जाएगा secant थीटा, मतलब secant 2 अल्फा, यहां पे थीटा है तो नीचे भी थीटा आएगा, 2 अल्फा है तो secant 2 है secant 2 अल्फा। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहां पे लिख लेंगे हैंस प्रूफ साबित हो गया। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग गौर करें थोड़ा सा कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो इसकी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है यहां पे 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, और ये हमारे पास है नीचे कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड को वैसे का वैसा रहने दें, नीचे एक फार्मूला बन रहा है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि cos a प्लस cos b हो तो हमारे पास होता है 2 cos a प्लस b ओवर 2, और नीचे क्या होता है cos यहां पे a माइनस b ओवर 2। ये फार्मूला मैंने बताया था कि दो एंगल अगर आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, एंगल को ऐड करके 2 माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऊपर वाली जिस तरह लिखी हुई है वैसे लिखो साइन 2 थीटा, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, मतलब एंगल ए एंगल बी और कॉस के फंक्शन, तो वो क्या आता है 2 कॉस ए प्लस बी ओवर 2 डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस बी ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है?
तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी बन जाएगी यहाँ पे साइन थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, और ये थीटा प्लस फोर थीटा थ्री थीटा फोर थीटा ओवर टू, और कॉस माइनस टू थीटा ओवर टू आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय कॉस, ये टू को इससे कैंसिल करेंगे, फोर को टू पे डिवाइड करो टू आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस टू थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू से टू कैंसिल आउट कर देंगे माइनस थीटा, तो ये कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि कॉस माइनस थीटा के इसके बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा का, ये फार्मूला होता है, तो ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा साइन टू थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बच रहा है ये कॉस टू थीटा, इसके नीचे लिख लेते हैं कॉस टू थीटा, और इसी तरह ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और साइन टू थीटा ओवर कॉस टू थीटा क्या होता है टेन टू थीटा। अब यहाँ पे पहले डबल एंगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है फिर सिंगल, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन टू थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड